कार दोस्तों इस तरह बिना गियरबॉक्स के रनिंग इंजन को चलते हुए देख के आप थक जाएंगे। इस तरह से आपने बहुत कम देखा होगा या नहीं भी देखा होगा। आगे की वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये क्या चेक करने के लिए है और किस तरह ये जरूरी है। वेलकम टू सेठी मोटर्स, वेयर यू कैन लर्न हाउ टू रिपेयर योर व्हीकल एट योर ओन। असल में यह वीडियो गाड़ी की मेन सील की लीकेज को ठीक करने के लिए है। इस प्रोसेस में हमने गियरबॉक्स को अलग कर लिया, आगे हमने प्रेशर प्लेट को अलग करके क्लच प्लेट को भी निकाल लिया है। आप क्लच प्लेट पे ऑयल लगने के निशान बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं। सारी क्लच प्लेट बहुत बुरी तरह से ऑयल में भीगी हुई है। इस तरह की भीगी हुई क्लच प्लेट के कारण क्लच स्लिप करती है बहुत ज़्यादा, जो कि इंजन की एफिशिएंसी को भी वीक करता है। यहाँ हम जूम करके देख सकते हैं कि ऑयल लगा हुआ है इसके ऊपर। अब हम स्टार की मदद से फ्राई व्हील को इंजन से अलग करेंगे। एक एक करके हम सभी नटों को हटा लेंगे। फ्राई व्हील के सभी नटों खोलने से पहले हम इसको थोड़ी सपोर्ट देंगे ताकि ये कहीं गिर न जाए, गिर के डैमेज भी हो सकता है फ्लाई व्हील। अब हम एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से धीरे धीरे करके फ्लाई व्हील को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मेन सील के नीचे से ऑयल आया हुआ है, जिसको हम कपड़े साफ करते हैं और वैसे भी इसको समझ सकते हैं। ऊपर की मदद से हम मेन सील को बाहर निकाल लेंगे। और क्रैंक को जहाँ पर मेन सील फिट होती है उसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। धीरे धीरे कपड़े से, पेट्रोल वेट्रोल से हम इसको बहुत अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। अब हम मारुति जेन्युइन ऑयल सील यूज करेंगे। पहले वाली जो सील है ये सीनियर कंपनी की सील है, जिसके डिजाइन में काफ़ी फर्क होता है। अब हम एक टूल की सहायता से इस सील को इंजन के ऊपर फिट कर देंगे और धीरे 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 स्मॉल हैमरिंग से हम इसको सही तरह से फिक्स कर देंगे। सील का अपनी सही जगह पर लगा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी तो ऑयल स्पिलेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब सील की लीकेज को चेक करने के लिए
दोबारा से फ्लाई व्हील को लगा के गाड़ी को हम स्टार्ट कर देंगे। सारे नटों को प्रॉपर लगाने के बाद हम गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे। हमारे इंजीनियर्स के द्वारा किया गया यह लाजवाब तरीका आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।